सरे साहब कैसा लगा माहौल? गुड, वेरी होमली. लोग कैसे हैं? वेरी गुड. गाना कैसा है? फैंटास्टिक. सुन सुन सुन, लड़की की आवाज है. और लड़की लेकिन मेरे सपनों की रानी का क्या होगा? एक लाफ मारूंगा, मुंह चटनी हो जाएगा तेरा. मेरे सपनों की रानी है. सब कुछ पसंद आने के बाद अब किस पॉइंट पे ना कहेंगे? ये भी पॉइंट है. अरे वहां क्या खुसर पुसर कर रहे हो? अगर तुम उनकी बेटी से बात करना चाहते हो तो उसे अलग ले जाकर बात कर लो. क्यों भाई? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है. करेक्ट करेक्ट. लक्ष्मी बेटे, हाँ जी, वंदना को बाग में छोड़ाओ. जी. अब क्या करोगे साले साहब? सुनिए, मैं आपसे एक सवाल करूंगा. अच्छी तरह सोच के जवाब देना, बहुत मुश्किल सवाल है. पूछिए. भगवान के सामने नारियल क्यों फोड़ते हैं? सेब, चीकू, संतरा भी तो फोड़ा जा सकता है, फिर ये नारियल क्यों? सोचो सोचो, आराम से सोचो, मुझे कोई जल्दी नहीं है. बहुत मुश्किल सवाल है ये. ये कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है. नारियल मनुष्य के अहंकार की तरह होता है और अहंकार इतनी आसानी से नहीं टूटता, इसीलिए भक्त भगवान के सामने हाथ जोड़ के नारियल फोड़ के ये बताता है कि उसने अपना अहम तोड़ दिया. गुड गुड. लेकिन ये सब बड़ी बड़ी बातें तुम्हें सिखाई किसने? मेरे दादाजी ने. जब मैं छोटी सी थी ना, तभी उन्होंने मुझे बताया था. तुम्हारे दादाजी को और कोई काम नहीं था कि बचपन में ही तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें सिखा दी? खैर रहने दो, अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो पहले सवाल से भी ज्यादा मुश्किल है. जरा समझ जाओ. शादी के बाद घर को अच्छी तरह चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? पैसा, प्यार, नाम या औलाद? सोचो सोचो, जरा आराम से सोचो, मुझे कोई जल्दी नहीं है. ये जरा टेढ़ा सवाल है. इन चारों में से कोई भी नहीं चाहिए. ना पैसा, ना प्यार, ना नाम, ना औलाद. पति पत्नी के बीच एक ही बंधन होता है. जिस दिन ये बंधन टूटता है उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है. हाँ. ये बातें भी तुम्हें दादाजी ने सिखाई? नहीं नहीं, ये मेरी दादी माँ ने बताई थी. तुम्हारे दादा दादी को और कोई काम नहीं था? अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं? तुम पूछो पूछो, मेरे पास हर सवाल का जवाब है, मैं पीछे नहीं हटूंगा. अच्छा ये बताइए, सुहाग रात को आदमी ही क्यों दूध पीता है, औरत क्यों नहीं पीती? आप ऊपर क्यों देख रहे हैं? मैं तो इस खूबसूरत पेड़ को देख रहा हूँ. कैसे पके हुए अमरूद लगे हुए हैं, कितने खूबसूरत, बिल्कुल झोली में गिरने को बेकरार. ये पेड़ तो मेरा दोस्त है जी. एक बात बताओ, मैं क्या तुम्हें उल्लू नजर आता हूँ? नहीं तो. पेड़ और इंसान में कभी दोस्ती होती है? क्यों, आपको यकीन नहीं आता? बिल्कुल नहीं. अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको फल तोड़ना होगा तो आप क्या करेंगे? वेरी सिंपल, या तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा या एक पत्थर मारूंगा, दो चार अपने आप गिर जाएंगे. बस. पत्थर मारेंगे? बिल्कुल. दोस्तों को पत्थर नहीं मारा करते, वो तो खुद ब खुद दे देते हैं. ये देखिए. आप लोग गागा कर काफी थक गए होंगे. चलते हैं. आपकी थकावट दूर करने के लिए मैंने एक खास मक्खन वाली छाछ मंगाई है. राम भैया बस लाते ही होंगे. अरे जल्दी लेकर आ, जल्दी लेकर आ. क्या कर रहा है? अबे गधे, ये क्या कर दिया, सारी छाछ गिरा दी. जा दौड़ के दूसरी लेकर आ. मालिक दही सब खत्म हो गया. दही खत्म हो गया? अरे ऐसा कर, ये पानी गिलासों में भर दे. चाचा जल्दी भर. तथैया तथैया हो. लिया लिया भैया, ले आया पैसाबों के लिए, ले आया. राम भैया कितनी देर कर दी छाछ लाने में? भैया वो क्या है ना कि घास छाछ, मेरा मतलब है छाछ. अरे इससे अच्छी दवाई आपको मिलेगी ही नहीं. अच्छा. पीते ही है ना, अरंडी का असर एकदम गायब हो जाता है. हंस क्यों रहा? अरे बाबा इसकी हंसी में मत जाइए, ये तो है ना पागल है. ये बात है, समझ गया समझ गया. लोहे को लोहा काटना है,
जहर को जहर मारता है, मुकाबला बराबर का हो तो अच्छा लगता है। ऐसे बात करते हो तो अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। मान लो ये घर हमारा है। अरे ऐसे कैसे मान ले भाई? मान लो ना भैया। अच्छा मान लो कि ये छाज भी हमारी है। हाँ। अरे ऐसे कैसे मान ले भाई? मान लो ना भैया। अच्छा मान लिया। मान लो हम आपके नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। अरे ऐसे कैसे मान ले? अरे मान लो ना भैया। अच्छा मान लिया। मान लो कि आप हमको नहीं, हम आपको छाछ पिला रहे हैं। अरे ऐसे कैसे मान ले? अरे मान लो ना भैया, कुछ लेने के लिए कुछ तो देना ही पड़ता है ना। हमने कुछ दिया, इन्होंने लिया, अभी हमको छाछ दे रहे हैं तो हमको लेनी पड़ेगी। एक भैया को भी दो, मेरे पास दो दो, भैया के पास सिर्फ एक। क्या कर रहे हो लखन? लखन भैया क्या है? भैंस का चारा। पहले क्यों नहीं बताया? अरे क्या तो रहा था, लखन भैया। अरे लखन भैया की जगह भैंस का चारा नहीं बोल सकता था क्या? आपकी बहन है। अच्छा तो आज्ञा दीजिए, सच में बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बाबूजी नाव खराब हो गई है और कहा है कि शाम तक ठीक नहीं होगी, और कोई दूसरी नाव भी नहीं है। अब क्या होगा मामा जी? अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, चलिए खाना वाना खाइए, आराम कीजिए, ठीक होगी, चले जाइएगा। देखिए बड़े बूढ़ों ने कहा है कि शादी से पहले समधी के घर खाना शुभ नहीं माना जाता। अरे तो फिर समधी के घर मत खाइए, मैं लड़की का चाचा हूँ, मेरा घर बगल में है, वहाँ खा लीजिए। हाँ भाई साहब, मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो आप लोग उंगली चाटते रह जाएंगे। लगता है अब तो आपके यहाँ ही खाना खाना पड़ेगा। मेरे खाना बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा था। हेरा फेरी नहीं, तो बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों को तो अच्छा लगा ही होगा। अब हम आपके कान, क्या करते हो यार, अब आपके कान भरेंगे। कान भरेंगे? कान भरने का मतलब जानते हैं आप? अरे भाई साहब, कान भरने का मतलब है मधुर संगीत सुनाएंगे। हम तानसेन के खानदान के हैं, हम ढोलक बजाते हैं तो बादलों से बारिश होने लगती है। और जब हम शहनाई बजाते हैं तो बारिश में से ओले गिरने लगते हैं। अरे चुप, अरे इधर आ मुर्गी वाले, चल जा भाग। अगर हिम्मत है तुम्हारे मधुर संगीत में तो इस कुंवारी मुर्गी में से अंडा निकाल कर दिखाओ। नहीं मामा जी, शर्मीली मुर्गी है, पब्लिक में अंडा नहीं देगी। इसका इलाज भी है भाई, ये लो टोकरी के अंदर बंद कर दो, प्राइवेसी आ गई है। राम लखन। कहाँ चला गया? अच्छा देना देना। थैंक यू। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ वो तो आपका कुत्ता। हाँ साहब, समझती हूँ साहब, समझती हूँ। बेटी तेरे दादाजी थे ना, वो भी ऐसे ही बहाने ढूंढते थे मुझसे मिलने के लिए। लेकिन मैं इनके दादाजी की तरह नहीं हूँ ना, मैं तो सच्ची वो पर्स नीचे पर्स लेने आए थे। अच्छा अच्छा चलो। दादी जी आप कहाँ रही हो?